छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान सांगवी में है और आज हम एक त्राटक के बारे में जानेंगे। त्रिवारम आसमंतात टंकयति इति त्राटकम। त्राटक साधना या त्राटक जो उपयोग में लाया जाता है वो मन की एकाग्रता और मन को एकाग्र करने के लिए और मन की स्मरण शक्ति को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम इस उसका उपयोग करते हैं। जैसे ये त्राटक अभी आने वाले 10th और 12th की एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुकी है, सभी विद्यार्थी अपने अपने परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां उन्होंने की है। और जब हम ऐसी तैयारियां करते हैं तो कभी कभार हमारा मन भटक जाता है और हमारा मन उस एक जगह पर टिकता नहीं है। उसे किस तरीके से एक जगह पर टिकाए और मन को एक जगह पर टिकाते हुए अपने एग्जाम में या अपने स्टडी में बेहतर रिजल्ट कैसे हम ला सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा विधि बताऊंगा जो हम अभी मैं करके दिखाऊंगा। आज इस उद्यान में बहुत ही सुंदर सुबह और सुंदर सुबह यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे अभी अभी सूरज का दर्शन होने जा रहा है, सूर्योदय हो रहा है और इस सूर्योदय के साथ में अभी मैं आपको त्राटक की विधि बताऊंगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। इस त्राटक का जो असली उपयोग है वो इस त्राटक का असली उपयोग हम अपनी मन की एकाग्रता करने के लिए और साथ ही साथ अपने मन को एकाग्र रखते हुए मेडिटेशन करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको विधि बताता हूं। जैसे सामने सूरज उग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हम अपना 5 किलोमीटर का रन एंड वॉक कंप्लीट करके यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं और इसके बाद अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अभी मैं यहाँ पे अभी बैठने जा रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के अभी जो सूरज सामने दिख रहा है वो सूरज के सामने मैं सूरज को एक तक देखते रहूंगा, एकाग्रता के साथ देखते रहूंगा बिना पलक झपकते हुए। अब उसे हम बिना पलक झपकते हुए एक तक देखते रहने से हमारी आंखें बिल्कुल उसके ऊपर टिक जाती है और मन को बिल्कुल एक विचार में लाते हुए, एकाग्रता से लाते हुए, पूर्ण रूप से, बिल्कुल एकाग्रता से लाते हुए, पूर्ण रूप से एकदम हम बिना पलक झपकते हुए देखना है जब तक आंखों से आंसू ना आए। और जब आंखों से आंसू आ जाए तो आंखें बिल्कुल शांति से बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर उसे बिल्कुल आंखों को आराम दीजिए और आंखों को आराम देने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। बस हमें इतना ही करना है। यही त्राटक हम घर में कर सकते हैं। घर में अगर करना है तो किसी लव को देखते हुए, मतलब किसी ज्योति को देखते हुए ये त्राटक अगर आप करेंगे तो इसका बेहतर फायदा हो सकता है। बहुत अच्छी तरीके से इसे हम कर सकते हैं। जो इंसान पार्क में नहीं जा सकते, जिनके पास पार्क नहीं है या जिनके घर के पास ऐसी सुविधा नहीं है तो वो अपने घर में कर सकते हैं, अपने कमरे में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप सूरज के साथ करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि हमें सुबह सुबह फ्रेश एयर मिलती है, साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज हो जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। जैसे आपने शुरू में देखा होगा कि पार्क में बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाट होती है। इन सारी चीज़ों से हमारे जो 5 सेंस है वो एक्टिवेट होते हैं और ये 5 सेंस जैसे एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमें मन की
खूबसूरती से खूबसूरती का पता चलता है और हम बहुत अच्छी तरीके से प्रसन्नता के साथ अपना जो ईश्वर ने हमें 24 घंटे का जो मटेरियल दिया है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सुसज्ज हो जाते हैं और सक्षमता के साथ अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।